हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके लिए फाइनली रीडिंग लेकर आ गई हूँ। बहुत हद तक बेटर फील हो रहा है तो सोचा कि मैं रीडिंग कर दूँ अब, ठीक है? तो अब से रेगुलर मॉर्निंग में, इवनिंग में रीडिंग अपलोड हुआ करेगी, ठीक है? जितना वेट कराना था कर लिया आपने। अब मैं रेगुलर रीडिंग अपलोड करूँगी, ठीक है गाइस? तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है यू एस देम। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, एक दूसरे की लाइफ में चल क्या रहा है, और एक दूसरे के लिए आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, और आपके पार्टनर आगे चलकर क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? यही सारी बातें पता करेंगे। और आपके लिए मैं रीडिंग के एंड में गॉड गाइडेंस लूँगी। गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये सब बातें भी पता करेंगे, ठीक है? तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बता दूँ, जनरल है रीडिंग, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो बातें आपके साथ रेजोनेट करती है आप उसको रखिए, बाकी को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है? टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी आप देखना चाहोगे आप देखिए, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। तो आपको पता ही है मैं यू एस देम की रीडिंग कैसे करती हूँ। मैं पहले एक आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, फिर आपके पार्टनर के लिए निकालती हूँ, ठीक है? तो उसी तरीके से मैं रीडिंग करूँगी। आज इवनिंग में मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग करूँगी, ठीक है? मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। इम्पास, ओके, वाओ। ये आपके पार्टनर की साइड से कार्ड आया है, परसेप्शन। और देखते हैं गाइस, फॉरगिवनेस आपकी साइड से, इंस्टिंक्ट आपके पार्टनर की साइड से, ओके, कार्ड ये आ गया है डिस्कवरी, ओके, प्रेयर, रिजेक्शन, ओके। दोनों की लाइफ में क्या हो रहा है ना, मैं ये बताऊंगी पहले आपको, फिर हम टैरोट से पता लगाएंगे कुछ और। ग्रोथ, ओके, चलिए। बॉटम से ना बैलेंस का कार्ड आया है, तो आप दोनों को ना इस टाइम तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। ओके गाइस, सारे कार्ड दिख रहे होंगे आपको, आई होप। तो ये आपके लिए कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ गए हैं जिन्होंने आपको सरप्राइज कर दिया है कि यस मैं यहाँ हूँ, जिसका आपको वेट था, ठीक है? कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सोल फैमिली से आए हैं, इन्होंने ही आपको डिस्कवर किया है, इन्होंने आपको ढूंढा है, आप तक पहुँचे हैं। और यू नो व्हाट, एंजल्स आपकी, एंजल ने आपकी बहुत हेल्प करी है, बहुत हेल्प की है इस पार्टनर से मिलाने में। इस पार्टनर का हार्ट चक्र आपके लिए ऑन है, ओपन है, ठीक है? यहाँ पे देखो सन, सॉरी मून है यहाँ पर दोनों पिक्चर्स में। आप दोनों एक हैं, आपकी सोल एक है। इस पार्टनर ने आपको इस तरह से सरप्राइज़ किया है ना कि आप बहुत हैप्पी हैं इस टाइम, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं, भले ही आपकी लाइफ में पार्टनर आ गए हैं, बहुतों की लाइफ में पार्टनर आ गए हैं, और आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो, बहुत खुश हो आप अंदर से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन का भी डर है।
ये रिजेक्शन के डर से खुद को निकालना है आपको। आपको उस पार्टनर को ये दिखाना है कि आप कौन हैं, आपकी वर्थ क्या है, आप कितने अच्छे हैं, ठीक है। रिजेक्शन का डर नहीं रखना अपने अंदर, क्योंकि अगर रिजेक्शन का डर आपके अंदर है तो आप अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। फिर कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाएगा और फिर डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। आप बेवजह इसमें चैलेंजेस खुद ही लेकर आ रहे हो। तो हो सकता है कि बहुतों की लाइफ में पार्टनर आ गए हैं और आप उनके साथ डील कर रहे हो और आप बहुत खुश हो। आपकी लाइफ में देखो किस तरीके से ना ये फ्लावर खिला हुआ है, ऐसी होने वाली है आपकी लाइफ इस फ्लावर की तरह, ठीक है। और जिनकी लाइफ में पार्टनर नहीं आए हैं या वो आज भी स्टक हैं एक्स को लेकर, या एक्स उनके नहीं आ पा रहे हैं, या अगर वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको ना दो दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। नंबर वन, जिन्होंने भी आपको हर्ट करा है, आपको चीट किया है, उन्हें सबसे पहले तो माफ़ कर देना है, अपने दिल से हेट निकाल देनी है और उनको माफ़ कर देना है आपको, नंबर वन पॉइंट, ठीक है। और दूसरा बात, अगर आपको ऐसा लग दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपका कभी उनके साथ रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा, तो ये आपको फियर से निकलना पड़ेगा, फियर ऑफ रिजेक्शन से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपकी भी लाइफ में आपके पार्टनर आ जाएंगे, चाहे फिर वो एक्स हैं या फिर वो न्यू हैं। लेकिन यस, कुछ कोई चीज़ आपको डिस्कवर करेगी और डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ऐसे पार्टनर आ जाएंगे जो आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ। तो बी पॉजिटिव गाइज, बी पॉजिटिव। ये सरप्राइज मिलने वाला है आपको बहुत जल्द, और बहुतों को मिल गया है, बहुतों को मिल गया है। जिनको मिल गया है वो निकाल दें अपने अंदर से इस रिजेक्शन के डर को, ठीक है। अब अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल है, ठीक है, काफ़ी उथल पुथल है। वो ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनकी लाइफ में। हो सकता है कि वो डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, ठीक है। वो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ, ठीक है। और इस ग्रोथ को पाने में ना आप उनकी हेल्प करोगे। आप उनकी लाइफ में देखो, अगर गॉड ने आपको इस पार्टनर से मिलाया है तो गॉड ने आपके पार्टनर को भी आपसे मिलाया है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को हील करने में, बैलेंस बनाने के लिए आए हो एक दूसरे की लाइफ में। रिसेप्शन मीन्स आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं ये पार्टनर, आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। और मैं यहाँ पर फिर से ग्रीन देख रही हूँ, हार्ट चक्रा बहुत हद तक आपके लिए ओपन है इस पार्टनर का, और ये आप और ये पार्टनर आपको एडमायर करते हैं। और आपका रोल इस पार्टनर की लाइफ में क्या है कि आप इनको सपोर्ट करो, आप इनको हील होने में मदद करो, आप भी इनकी प्रेयर का हिस्सा बनो और इनके लिए दुआएं मांगो कि आपके पार्टनर जल्द से जल्द जिस भी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, वहाँ से बाहर आ जाएं, क्योंकि इस पार्टनर को ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में। ये पार्टनर बहुत लोनली फील करते हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पार्टनर की खुद की समस्याएं हैं जिसमें घिरे हुए हैं, तो आप बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हो इस पार्टनर को हील होने में, ठीक है। अपना इनर वर्क करने में बहुत हद तक हेल्प कर सकते हो, पॉजिटिव सोच कर, पॉजिटिव रह कर, इनके लिए प्रेयर कर, क्योंकि इनको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली ये पॉजिटिव तो हैं विद दिस कार्ड, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं। हो सकता है हेल्थ इश्यूज हैं, हो सकता है जॉब का इशू है, कुछ ना कुछ तो इश्यूज मैं देख रही हूँ इस पार्टनर के साथ, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर। चलिए अभी म्यूचुअल एनर्जी निकाल लेते हैं आप दोनों की, क्या है एक दूसरे के लिए। म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो। थ्री ऑफ कप्स, ओके। तो आप दोनों को एक दूसरे को डेट करना है, घूमना फिरना है। इंटरेस्टिंग, वाओ। एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही सोचते हो कि ये जो आप दोनों एक दूसरे को मिले हो ना, ये गॉड की ब्लेसिंग है, ऐसा सोचते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो
ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, ये गॉड की मर्जी का बनाया हुआ है। वाओ, वी हैव टू ऑफ कप्स, सोलमेट्स, सोलमेट्स कनेक्शन है आप, सोलमेट कनेक्शन में हो एक दूसरे के साथ, एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। आप बिल्कुल भी रिजेक्शन वाला डर अपने अंदर मत लाओ, क्योंकि ये कनेक्शन ही आपका गॉड का बनाया हुआ है, और इसमें आप हर चीज़ फील करोगे, आप खुश होगे, आपको कभी कभी थोड़ा सा गम भी मिलेगा, लेकिन प्यार भी मिलेगा, आपको सारे इमोशन का ना मिक्सचर मिलेगा यहाँ पे। ये बहुत ही एक ब्लेस्ड कनेक्शन है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए भी। वाओ, और देखते हैं, सिक्स ऑफ सोल्स, तो जिनके पार्टनर जिनको छोड़कर गए हुए हैं वो रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, एंड टेन ऑफ कप्स मींस हैप्पी फैमिली, ठीक है, मैरिज, बच्चे, इस तरह का बहुत आगे तक की प्लानिंग कर रहे हो आप दोनों ही। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो वो सोच रहे हैं, आप, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। विद द टेन ऑफ कप्स एंड द टू ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों ही मुझे कार्ड बता रहे हैं कि ये रिश्ता भगवान का बनाया हुआ है, भगवान ने आपके हाथ में ना ये ब्लेसिंग दी है आपको। बहुत अरसे से अगर वेट कर रहे थे तो अब फाइनली आपका वेट ख़त्म हो गया है, आपके पास आपके सोलमेट आ गए हैं जिनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली भी बनेगी। कि ये थिंकिंग आपकी भी है और आपके पार्टनर की भी है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा ही सोचते हो। तो बिल्कुल भी अगर रिजेक्शन वगैरह का डर है ना तो निकाल दो अपने अंदर से, बिल्कुल निकाल दो, ठीक है। यहाँ पर मैं रिकॉन्सिलेशन होते हुए भी देख रही हूँ, खूब पार्टी शार्टी, डेटिंग वेटिंग करते हुए भी देख रही हूँ आपको, ऐसी सोच है आप दोनों की, और बहुत जल्द आप करोगे, करोगे जी, करोगे, बिल्कुल करोगे। चलो, ट्रू फीलिंग्स जानते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे के लिए क्या है देख लेते हैं। वेट अ सेकंड गाइस, देख लेते हैं क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लेकर आप दोनों की। ल्यूमिनोसिटी, चलिए, आप तो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, और यही एक फेज़ होता है जब कोई भी पर्सन अगर इस कैटेगरी में है, इस पोजीशन में है, तो उनके जो भी डिवाइन पार्टनर हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप करते हो इस तरीके से, आप शाइन कर रहे हो, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस पोजीशन में हो तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो, तो आप तो ऑलरेडी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, वेरी गुड, ओके। देखिए, रेनबो रिवाइवर आपके पार्टनर की साइड से आया है, बहुत जल्द आपके पार्टनर भी खुश होने वाले हैं, उनकी लाइफ से स्ट्रेस जाने वाला है और खुश होने वाले हैं आपके पार्टनर। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, खुद को, खुद में कुछ चेंज लेकर आओ, आपके जो भी डर है ना, जो भी आपको डर लगता है, आपको जिस भी बातों को लेकर ऐसा लगता है कि ऐसे नई चीज़ें हो पाएंगी, वो चीज़ हटा दो अपने अंदर से, अपने आप को रीपेरेंट करो, चेंज लाओ अपने अंदर। सेक्सुअलिटी, आपके पार्टनर को आप बहुत सेक्सी लगते हो, अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को आपसे, नो डाउट कि वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग, काइंड हार्टेड, और आईज आपकी बहुत अच्छी होंगी, आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्माइल बहुत अच्छी होगी, आपका बॉडी शेप बहुत अच्छा होगा, इसीलिए ना ये पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, बॉटम से कार्ड आया लाइफ पर्पस, तो आप दोनों को ही मिलने का लाइफ पर्पस है, एक दूसरे को लाइफ समझाना, एक दूसरे की लाइफ में सपोर्ट देना, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, लेट्स फाइंड। वाओ, वी हैव सन, बहुत ही पॉजिटिव एक्शन होगा गाइस, खुशियां आ रही है आपके पास, तो ब्लेस्ड हो आप। वाओ,
स्टार, वाओ, जैसे आपकी ना आपका ड्रीम पूरा होने वाला है, आपकी विशेस पूरी होने वाली है. सन एंड स्टार, वाओ, बड़ा कॉम्बिनेशन. बहुत ही पॉजिटिव एक्शन निकल कर आ रहा है आपके पार्टनर का. ये लगता है आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है. ये पार्टनर आपके सारे दुख दर्द दूर करने वाले हैं, आपको कंप्लीट करने वाले हैं. वेरी ब्यूटीफुल, दोनों ही मेजर अरखाना से कार्ड आए हैं. पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पार्टनर आपको ऑफर करने वाले हैं कुछ ना कुछ. और ये पर्सन भी स्पिरिचुअल हैं आपकी तरह, गॉड में बिलीव करते हैं. वाओ द फूल, इसका मतलब होता है न्यू बिगनिंग. आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है गाइज, न्यू बिगनिंग. वाओ, आप देख सकते हैं. और देखो बॉटम से ना मून का कार्ड भी आया है. अब मैं और क्या बोलूँ, सन मून एंड स्टार, जैसे सब कुछ मिलने वाला है आपको. हर एक चीज जैसे मिल जाएगी आपको, आपके आपका सन मून एंड स्टार, सब कुछ, सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं, सब पूरी हो जाएगी. ओ माई गॉड. और आप देख सकते हैं सारे मेजर अरखाना से कार्ड आए हैं. मेजर अरखाना से नेक्स्ट एक्शन के कार्ड आए हैं, ठीक है. फूल भी हमारा मेजर अरखाना से कार्ड है, जो कि मुझे न्यू बिगनिंग बता रहा है आपकी लाइफ में. रिकन्सिलिएशन, न्यू बिगनिंग, हैप्पी मूवमेंट्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में. आप बहुत खुश होने वाले हैं. नज़र ना लगे बस किसी की भी आपको, आपके इस कनेक्शन को. डेफिनेटली पॉजिटिव रहो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है. जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी ये सब कुछ सच हो जाएगा. चलिए अभी मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ. एंजल आपको क्या गाइड करेंगे, क्या आपको बताएंगे, ठीक है. एक कार्ड आ गया हमारे, वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट. ये पर्सन आप ही को देंगे अपना दिल. ये पर्सन ना थोड़े स्टाइलिश हैं और वाओ. द टेम्पल पाथ मीन्स जो भी दुआएं अब तक आपने की है ना, प्रेयर्स, दुआएं, मन्नतें, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, सब कुछ गॉड सुन रहे हैं. द टेम्पल पाथ, आप जो बोल रहे हो वो सुन रहे हैं और आपको देंगे भी जो भी आप मांग रहे हो. सच्चे मन से जो मांगता है ना उसको मिलता है. और ये पर्सन तो ऑलरेडी अपना दिल लेकर ही बैठे हुए हैं, बस कहने के दे रहे हैं. इनडिसीजन हो सकता है, अभी स्ट्रेस के वजह से ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कह देंगे ये पर्सन. मैंने कोई नेगेटिव कार्ड नहीं देखा इस रीडिंग में अब तक. देखो कार्ड भी आ गया था, थिंकिंग मैन. थोड़ा सोचेंगे भी ये, थोड़ा सा सोचेंगे. सोचने देना इनको, इनका टाइम लेने देना, ये आएंगे आप ही के पास, नो डाउट. ओके, एक और कार्ड आ गया. हाँ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट. गाइज देखो, यहाँ से मैन होल्डिंग अ हार्ट और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप तो दोनों ही एक दूसरे को दिल दोगे अपना. दोनों ही एक दूसरे को दिल दोगे. कोई बात नहीं, आप क्लियर होगे, ठीक है. लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा सोचेंगे. सोचने देना इनको, इनको टाइम दे देना. जल्दबाजी आप मत करना कि नहीं मुझे अभी ही प्रपोज करो, मुझे अभी कमिट करो, ठीक है. इस तरीके की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और टाइम देना इसको, क्योंकि ये पार्टनर खुद ही आ जाएंगे आपके पास. जाएंगे कहाँ, वाओ. एक्शन देखो, एक्शन ले लेंगे ये पार्टनर, और एक्शन बिल्कुल फेवर में लेंगे आपके साथ ना. आर्कएंजल माइकल है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी, ठीक है. तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत ही अच्छा. मुझे इतने टाइम बाद मैंने रीडिंग करी और इतनी पॉजिटिव रीडिंग मुझे मिली है. तो जिनों के भी साथ रेजोनेट हुई है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना. चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर.